ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर जनपद के थाना कोतवाली मंडी क्षेत्र के मोहल्ला पक्का बाग में एयरगन के फायरिंग में घायल हुए युवक जिला अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर किया था हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना मंडी क्षेत्र के मोहल्ला पक्का बाग निवासी सलमान ने आरबी के दौरान अपनी छत पर खड़े होकर एयरगन से फायरिंग की थी, जिसमें पड़ोस में रहने वाले अजीम को गोली लगने से घायल होता है। गोली जांग में दूसरी गोली हाथ में लगी थी। अजीम का उपचार एक निजी अस्पताल में किया जा रहा था। देर रात उसकी मौत हो गई, जिसमें परिजनों ने जमकर हंगामा किया। युवक की पर हत्या का आरोप लगाते हुए कॉलोनी में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंच लोगों का साथ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना मंडी के पक्का बाग का मामला है। अजीम नाम का युवक जिसकी मृत्यु हो गई। अजीम नाम का वो अपनी छत पर घूम रहा था, मौसम भी खराब था। उसी की पड़ोस में रहने वाले युवक सलमान ने अपने एयरगन से फायर किया, जिससे युवक के एक टांग में लगा और एक हाथ में लगा। युवक घायल हो गया, जिसको तत्काल एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने थाने पर तहरीर दी है। 304 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है और इसमें कड़ी विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना मंडी के पक्का बाग का मामला है, ये 4 तारीख का मामला है, शाम की घटना है। इसमें एक लड़का जो मृतक है अजीम नाम का, करीब इसकी 21-22 साल उम्र होगी, अपने छत पे घूम रहा था, मौसम भी खराब था उस समय। उसी के बगल के एक लड़का सलमान जो अपने एयरगन से कुछ फायर किया, वो फायर इसके एक हाथ में लगा और एक जांघ पे लगा। इसके बाद हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ और इलाज के दौरान ही जो जांघ वाली इसके चोट थी वो सेप्टिक हो गया और सेप्टिसिमिया से इसकी फिर 6 तारीख को डेथ हो गई। इस संबंध में परिजनों ने थाने पर सूचना दी है, जिस संबंध में एक 304 IPC का मुकदमा इनके खिलाफ लिखा गया है, पोस्टमार्टम कराया गया है मृतक का और इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई की जा रही है।